पिछले क्लास में हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है और कैसे उस पर हम लोग को अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यहां पे लेट ए बी एनी मैट्रिक्स देन ट्रांसपोज ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए डैश या ए टी या ए बार, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, कोई मैट्रिक्स है ए तो उसके ट्रांसपोज को ए डैश ए टी या ए बार से हम लोग लिखेंगे और ट्रांसपोज का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स मींस इंटरचेंज रोज इनटू कॉलम। ट्रांसपोज का मतलब हुआ कि किसी मैट्रिक्स में रो को कॉलम में बदल देना ही ट्रांसपोज कहलाता है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर ये कोई मेरा मैट्रिक्स लिखी हुई है, सपोज करते हैं ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, इसका ट्रांसपोज निकालना है रो को कॉलम में बदलना, मतलब ये जो रो है और ये रो है उसको कॉलम में बदलिए, यानी कि ए डैश इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये ट्रांसपोज कहलाएगा। हमने क्या किया, रो को कॉलम में बदल दिया, इंटरचेंज कर दिया, जहां रो था अब वो कॉलम हो गया, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो कोई भी मैट्रिक्स रहेगा इसी तरह से हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज उस पर हम लोग बात करते हैं। ये है पहला a डैश इक्वल टू ए, कहने का मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। दूसरा है हमारे पास k a ट्रांसपोज इक्वल टू k इंटू a ट्रांसपोज, यानी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लीजिए या ट्रांसपोज लेके कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, वैल्यू सेम होगा। तीसरा प्रॉपर्टी है ए प्लस माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज, यानी कि दो मैट्रिक्स को एडिशन या सब्सट्रैक्शन करके ट्रांसपोज लेंगे या ट्रांसपोज लेके एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे तो भी हमारे पास वैल्यू सेम आएगी। चौथा है मेरे पास प्रॉपर्टी कि a इंटू बी का ट्रांसपोज जो होता है यह b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज के, तो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखते हैं। जैसे वेरीफाई करने के लिए कुछ क्वेश्चन कहेगा, a को एक मैट्रिक्स दे देगा, कहेगा बताओ कि इतना इतना के इक्वल हो, या दो मैट्रिक्स दे देगा, कहेगा इतना इतना के इक्वल हो, तो उसके वेरिफिकेशन से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज कीजिए ए का मान दिया हुआ है 2 0
टास्क फोर इक्वल टू थ्री ए टास्क फोर। तो सबसे पहले हम LHS का मान निकाल लेंगे। का मान तो दिया हुआ है, थ्री ए का मतलब हुआ थ्री को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो थ्री का मल्टीप्लाई यानी किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वह स्केलर इसके प्रत्येक एलिमेंट को जाकर मल्टीप्लाई करता है। तो थ्री ए का मान निकाल लेते हैं हम लोग, तो थ्री से मल्टीप्लाई किए हैं यानी इसके प्रत्येक एलिमेंट को थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिक्स हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नाइन हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस फिफ्टीन हो जाएगा, ट्वेल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहता है कि थ्री ए का ट्रांसपोज यानी कि थ्री ए का ट्रांसपोज लेना है, रो को कॉलम में बदलना है, तो सिक्स नाइन माइनस फिफ्टीन जीरो माइनस थ्री ट्वेल्व, ये एलएचएस हो गया। अब आरएचएस का मान निकालना है, आरएचएस के मान के लिए हम लोग ये दिया हुआ है पहले ए का ट्रांसपोज ले लो, ये कहता है कि ए ट्रांसपोज इंटू थ्री, ए का ट्रांसपोज ले लीजिए आप, क्या होगा टू थ्री माइनस फाइव जीरो माइनस वन फोर। अब कहता है तीन से मल्टीप्लाई कर दो तो थ्री ए ट्रांसपोज आप मल्टीप्लाई करिए, तो मतलब ए ट्रांसपोज का जो भी मैट्रिक्स है उसके प्रत्येक एलिमेंट को थ्री से मल्टीप्लाई कीजिए, ये होगा सिक्स नाइन माइनस फिफ्टीन जीरो माइनस थ्री ट्वेल्व। हम क्या देख रहे हैं कि थ्री ए का ट्रांसपोज और थ्री ए का ट्रांसपोज और थ्री इंटू ए ट्रांसपोज दोनों का वैल्यू मेरा सेम है, इसलिए हम लोग कहेंगे थ्री ए ट्रांसपोज इक्वल टू थ्री ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये हमारे पास वेरीफाई करने के लिए कहेगा, तो हमने वेरीफाई करके बता दिया जो मैट्रिक्स डी है ना उसके आधार पर। इसी तरह से प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी हमने बातें बताई हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए पूछ सकता है, तो बताना पड़ेगा। एक आध क्वेश्चन का और इस पर करके दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखी हुई है, ए का मान दिया हुआ है माइनस थ्री पाई टू और बी का मान दिया हुआ है वन सिक्स माइनस टू। और कहता है वेरीफाई करिए, वेरीफाई ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो पहले हमको LHS में ए इंटू बी का मान निकाल कर उसका ट्रांसपोज लेना है, और फिर अगले स्टेप में हमको बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज लेके दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग करते हैं, इसमें प्रक्रिया कर रहे हैं, पहले ए इंटू बी निकालते हैं, तब हम लोग निकालेंगे ये हो जाएगा माइनस थ्री फाइव टू इंटू वन सिक्स माइनस फोर। कंडीशन के मुताबिक इसमें दो नंबर इसमें दो की संख्या सेम है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा होगा माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री, माइनस फाइव इंटू वन फाइव फाइव, टू इंटू वन टू, ठीक है। फिर हम लोग माइनस थ्री इंटू सिक्स माइनस एटीन, फाइव इंटू सिक्स थर्टी, टू इंटू सिक्स ट्वेल्व, ठीक है। फिर माइनस थ्री इंटू फोर ट्वेल्व, फाइव इंटू माइनस फोर माइनस ट्वेंटी, टू इंटू माइनस फोर माइनस एट। ये हम निकाल लिए ए इंटू बी। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए इंटू बी का ट्रांसपोज ले लीजिए, तो रो को कॉलम में बदलना है तो बदल दीजिए, सिस्टम के मुताबिक हो जाएगा माइनस थ्री फाइव टू सॉरी माइनस थ्री माइनस एटीन ट्वेल्व फाइव थर्टी माइनस ट्वेंटी टू ट्वेल्व
क्रिया करेंगे। हमको बी का टास्क फोर्स लेके ए के टास्क फोर्स से मल्टीप्लाई करके देखना है कि उसका मान इसका मान सेम आ रहा है। अगर सेम आ गया तो मुझे भी फाइन। तो हम लोग अगले स्टेप पे चलते हैं, अगले स्टेप के ऊपर। अब हम लोग क्या करते हैं कि ए का टास्क फोर्स बी का टास्क फोर्स लेके गुणा करते हैं। तब हम लोग लेंगे बी का टास्क फोर्स इंटू ए का टास्क फोर्स। तो बी का टास्क फोर्स में क्या बोले हैं कि जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगा। बी का टास्क फोर्स आपके पास हो जाएगा 1 6 -4, ठीक है, इंटू ए का टास्क फोर्स क्या हो जाएगा, रो कॉलम में बदलता है तो आपके पास ये सिस्टम कैसा आ सकता है, यह आ जाएगा -3 π/2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने की प्रक्रिया के मुताबिक रो कॉलम लेते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास -3 -18 12, ठीक है। इसको इससे और इसको इससे, ऐसे ही इधर से लो और इधर से कॉलम लेके हम लोग, फिर हो जाएगा आपका 5 30 -12, फिर आपके पास हो जाएगा 2 12 -8, ये मेरा मिल गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि a इंटू बी का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज सेम है। तो हम लोग बोलेंगे here a इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। यहाँ पे दिखाई करेंगे इस तरह के कोई भी प्रश्न है हम लोग सोल्व करना है। अगले हम लोग चलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस पे हम बात करते हैं। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक If A transpose equal to zero, मतलब ये है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A को सिमेट्रिक तभी कहा जाएगा जब उसका ट्रांसपोज लेने पर उस मैट्रिक्स पे कोई प्रभाव न पड़े, या Aij equal to Aji, यानी कि या तो ये हो या ये हो, दोनों बात एक ही है। अगर इस तरह से लिखा है तो भी सिमेट्रिक का कंडीशन हो गया, और इस तरह से लिखा है तो भी सिमेट्रिक का कंडीशन हो। तो इस चीज को हमको ध्यान देना है कि सिमेट्रिक किसको कहेंगे, तो वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहेंगे जिसके ट्रांसपोज लेने पर उस मैट्रिक्स पे कोई प्रभाव ना पड़े, या आईजे का एलिमेंट और जे आई का एलिमेंट सेम हो उस तरह से हम लोग वर्क करेंगे। जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पर कोई नंबर लेके हम लोग देख सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए लिखा हुआ है 1 5 5 7। अब हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका आप ट्रांसपोज ले लीजिए, ट्रांसपोज में रो को कॉलम में बदल दीजिए, यहाँ पे ए डैश निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1 5 5 7। आप देखिए कि ए और ए के ट्रांसपोज के वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आया, तो हम लोग बोलेंगे हियर ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, इसीलिए ए इज सिमेट्रिक, ठीक है। दूसरे डिफिनेशन से हम लोग चलते हैं, दूसरे डिफिनेशन से ए आई जे और ए जे आई सेम होना चाहिए। ए आई जे क्या है मेरे पास, ए आई जे मेरे पास है, ए आई जे कितना है, ए आई जे की जगह पर मान लेते हैं ए 1 1 ले लेते हैं, ए 1 1 1, पोजिशन भी बदल लेने से कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर ए 2 1 ले लेते हैं, तो 2 1 ले लीजिएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो
फाइव है, ए वन टू ले लीजिएगा तो भी फाइव है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ए टू वन और ए वन टू भी सेम है, तो जो सेम है तो हम लोग कहेंगे कि यह सिमेट्री के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी कि सिमेट्री को। एक और एग्जाम्पल हम दिखा सकते हैं, जैसे लिखी हुई है ए इक्वल टू वन टू थ्री टू फाइव सेवन थ्री सेवन एट, ऐसा हम कैसे लिख सकते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं। तो डायगोनल एलिमेंट को कुछ भी रखना है, बाकी जो पॉजिटिव एलिमेंट है उसको सेम रखना है, तो उस तरह के मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक ही दिखाएंगे। अब इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, ए डैश ले लीजिए, तो मेरे पास आएगा वन टू थ्री टू फाइव सेवन थ्री सेवन एट। तो हम क्या देख रहे हैं कि ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स दोनों का वैल्यू सेम है, आप चेक आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, इसलिए ए इज सिमेट्रिक। दूसरे केस में हम बात करते हैं, सपोज कीजिए कि दूसरे डिफिनेशन पे आए गए ए टू थ्री का मान ले लीजिए। ए टू थ्री का मान क्या कहाँ पे आ गया, टू थ्री का मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम सेवन आ गया। और ए थ्री टू का मान ले लीजिए, जैसे ए आई जे रहे जे आई दोनों का मान सेम होना चाहिए, तो थ्री टू का मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम सेवन। इसके आधार पर भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते। तो ये हुआ सिमेट्री। अब हम लोग एसक्यू सिमेट्री के बारे में बात करेंगे, एसक्यू सिमेट्री क्या होता है। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी एसक्यू सिमेट्रिक। एसक्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए या ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जी आई। ये नियम का पालन करे या ये नियम का पालन करे, तो उस केस में एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक चीज ध्यान देना है कि इसके डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होते हैं। कैसे, इसके बारे में हम लोग बात करें। सपोज कीजिए ए लिखा हुआ है जीरो फाइव माइनस फाइव जीरो, ये मेरा एसक्यू सिमेट्रिक होगा। आप क्या करो, इसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज ले लिया तो क्या आ गया, जीरो माइनस फाइव फाइव जीरो। क्या होना चाहिए, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होना चाहिए। ए तो दिया हुआ है, माइनस ए निकालेंगे ये हो जाएगा माइनस लगाइएगा तो जीरो माइनस फाइव फाइव जीरो। तो आप माइनस ए का मान ए का ट्रांसपोज का मान दोनों का मान सेम है, इसलिए हम लोग इसलिए कहेंगे ए इज एसक्यू सिमेट्री। तो हम लोग आज यहीं तक पढ़ाई करेंगे और इससे रिलेटेड सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड और क्वेश्चंस और कंसेप्ट हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग जानेंगे किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक के रूप में कैसे एक्सप्रेस करते हैं।